Hi everyone, and this is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy, and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. Good morning everybody, how are you guys? मैग बेटा आप कहीं भी 2-3 मिनट लेट नहीं होती हो क्या? 10:15 की क्लास 10:18 को स्टार्ट हो सकती है. डोंट वरी, क्लास होनी इज इम्पॉर्टेंट. ओके, आप तो ऑलवेज स्पेशल क्लास में लेट आती हो, राइट? सो आज गाइस वेनसडे का दिन है, August 18, एंड आई एम बैक विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. हमारा जो ये सेशन है, दिस हैपेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एवरी डे. ओके, 10:15 टू 11 o'clock को ये सेशन होता है. मंडे टू सैटरडे 6 दिन लेती हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन, जिसमें बढ़िया से पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देती हूँ. ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वी डिस्कस. ये एनालिसिस करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? वॉट न्यूज़ टू कवर इन डिटेल, वॉट न्यूज़ टू जस्ट सी एज अ हेडलाइन, वॉट न्यूज़ टू नो स्किप ऑल टुगेदर, ये सारा चीज़ आप समझ में आएगा. साथ साथ में किस चीज़ का नोट्स बनाना है, कौन से न्यूज़ का नोट्स बनाना है, वो भी मैं बताती जाऊँगी. तो इतने सारे फ़ायदे हैं ये सेशन में, तो ज़रूर अटेंड कीजिए. आप खुद तो अटेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स सभी के साथ शेयर भी कीजिए अबाउट द क्लास, राइट? तो जल्दी से सब लोग शेयर बटन क्लिक कर लो एंड अपना छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो एंड सभी के साथ शेयर अबाउट द क्लास. ओके, ऑलराइट. सो मीनवाइल आप लोग जब तक शेयर करते हो, मैं थोड़ा थोड़ा अपने बारे में और अन अकेडमी के बारे में बताना चाहूँगी. तो जल्दी से शेयर अबाउट द क्लास गाइज. गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड शेयरिंग माई नॉलेज. सी आर गाइज, दैट्स मी. आज हम क्या कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन कर रहे हैं. ये वाले फीचर्स जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो ना, दोज आर अन अकेडमी फीचर्स. अन अकेडमी इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म इन टुडेज डेट. ट्रस्ट माई वर्ड, सीरियसली, मतलब इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं देखने को मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद अन अकेडमी, बट बाई माई ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग इट्स जस्ट वंडरफुल. ये जो बढ़िया से फीचर्स आप जस्ट गो थ्रू कीजिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए कितने मस्त फीचर्स हैं. तो जिसने भी अन अकेडमी ज्वाइन ही नहीं किया ना अभी तक, डू वन थिंग, गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड साइन अप. आपको एक कोड पूछेंगे साइन अप करने के लिए, कोड आप यूज़ कर सकते हो निधि लाइफ. फिर मेरी और दूसरे कुछ एडुकेटर्स की फ्री वाली क्लास देख सकते हो. तो पहले तो साइन अप करके निधि ध्रुव सर्च कीजिए, मेरी स्पेशल क्लासेस देखिए. फ्री वाली क्लासेस को हम अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं. तो ये स्पेशल क्लासेस कुछ दिन के लिए देखिए, हफ्ता 10 दिन. देन आपको अगर टीचिंग अच्छी लगती है मेरी, दूसरे एडुकेटर्स की, तब जाके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. सब्सक्रिप्शन लेने का ये फ़ायदा है कि ये सारे बैचेस आप अटेंड कर पाओगे. तो ये सारे बैचेस जो है उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एडुकेटर्स का हमने रखा हुआ है बैच. तो सब्सक्रिप्शन लेने से ये फ़ायदा है कि प्रॉपर सिलेबस आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा और इट विल हेल्प यू टू क्रैक योर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस. तो ये सारे बैचेस हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैम क्या हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक पर्टिकुलर बैच ही ज्वाइन करें, कौन सा वाला करें? ऐसा नहीं होता है, जितने मर्जी जाओ बैचेस में आप अटेंड कर सकते हो. पहले तो स्पेशल क्लासेस से जांच कर लो आपको कौन से एडुकेटर की टीचिंग अच्छी लगती है, फिर वो वाले एडुकेटर्स की प्लस क्लास देख लो अलग अलग सब्जेक्ट की. दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. 2023 एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वाला बैच है. ओके, जिसमें मैं साइड में ज़रा आ जाती हूँ, जिसमें आपको देखिएगा लास्ट वाला निधि ध्रुव जनरल अवेयरनेस, मतलब मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ाने वाली हूँ. फ्राइडे से मेरा क्लास चालू होने वाला है, ज़रूर आइएगा, ठीक है? स्पेशल क्लास आज नहीं है बिकॉज आज शाम में प्लस क्लास है हमारी. प्लस क्लास कौन सी वाली है? तो प्लस क्लास हमारी लीगल रीजनिंग की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास है. प्लस क्लास 8:30 to 10. सारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और बाकी सब लोग ने अगर नहीं ज्वाइन किया तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए निधि लाइव कोड यूज़ करके, एंड 10% डिस्काउंट भी पाइए एंड आ जाइए प्लस क्लासेस में. लीगल रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रही हूँ फिलहाल. ये वाले प्राइजेज हैं, बहुत ही बढ़िया वाले प्राइज हैं, और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा निधि लाइव कोड यूज़ करने से.
लाइव क्विज का फीचर है, आई होप आप लोग सब लोग इसे यूज़ कर रहे हो, ज़रूर यूज़ कीजिए, टेस्ट वगैरह दीजिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, हमारे चैनल को, और कमेंट कीजिए आपको वीडियोस कैसा लगा, एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। सो यार गाइस, दैट्स ऑल अबाउट अन एकेडमी एंड मी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। सब लोग आ गए हैं, आपने शेयर कर दिया सब लोग ने अबाउट द क्लास, जल्दी से शेयर बटन क्लिक करके कर दो, ठीक है। देन मैं एक मिनट में क्लास चालू कर रही हूँ, सबकी कमेंट्स देख लेती हूँ। ओके, अच्छा मोक्ष ने ये बोला था, मैंने महक रीड कर लिया, आई एम सो सॉरी। मैं मोक्ष मेहता, आप कहीं भी दो मिनट लेट नहीं होते हो ना, आई एम वेरी श्योर आप इतना इजीली किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो आप तो कहीं लेट होते ही नहीं होंगे दो मिनट भी। सो मेहरबानी करके कमेंट निकाल लो, अच्छा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आवाज़, देर वॉज अ क्लास येस्टरडे को भी क्लास था, अब देखिए आपको मिल जाएगा, अन एकेडमी क्लैट के वीडियो सेक्शन में देखिए आपको मिल जाएगा। एक्चुअली लास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी टेक्निकल, तो 2-3 घंटे के लिए कुछ वीडियो प्राइवेट किया हुआ था, फिर अभी पब्लिक हो चुका है, आप देख सकते हो है वाली, कल हुई थी क्लास। मोक्ष सिंह मैम, आपकी आवाज़ वन साइड आ रही है। मोक्ष इतना प्रॉब्लम है ना तो बेटा, आई एम सो सॉरी टू से, बट आप कुछ नहीं कर सकते, हम उसका आवाज़ बैठती है, मैं इंसान हूँ, ठीक है। कुल राजवी सिंह मैम, आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे इन्फॉर्म कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। आई नो आवाज़ थोड़ी ख़राब हो चुकी है बिकॉज खराश है अभी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आवाज़ बैठ सकती है मेरी, राइट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे 18th of August वेनसडे के दिन के न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो वी ऑल नो सुपर इम्पॉर्टेंट वन थिंग राइट नाउ, अफगानिस्तान सिचुएशन, इट्स जस्ट टेरेबल, टू मच टेरेबल। आप उसके पिक्चर्स देखिए, आपको मतलब वीडियोज़ देखिए, हालत ख़राब हो जाएगी। तो तालिबान वाव टू ऑनर वुमेन्स राइट्स बट विद इन इस्लामिक लॉ। तो जिस तरीके से 1996 से 2001 के बीच में तालिबानीज जब ही अफगानिस्तान पे लाइक रूल कर रहे थे, नॉट एग्जैक्टली रूल कर रहे थे, बट वो लोग ही डिसाइड करते थे क्या होना चाहिए गवर्नमेंट होने के बावजूद, तो तालिबानीज ने तभी वुमेन के बहुत राइट्स को वायलेट किया, लाइक उनको स्कूल नहीं जाना वगैरह, हमने कल के एडिटोरियल में ये सारी चीज़ देखी थी, ठीक है। तो ये बार हम विमेन के साथ ऐसा नहीं करेंगे, उनका राइट प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ज़माना 96 से 2001 वाला अलग था, अभी 20 साल में सब कुछ काफ़ी चेंज हो चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड विमेन का राइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो तालिबानीज आर ऑल्सो सेइंग दैट वी विल ऑनर विमेन्स राइट बट विद इन इस्लामिक लॉ, ओके। इंसर्जेंस लॉन्च पब्लिसिटी बिल्स टू कन्विंस वेरी सिटीजन दैट दे हैव चेंज्ड। तो लोग गंदी तरीके से भागना चाह रहे हैं वहाँ के सिटीजन्स, तो तालिबानी सबको शांत करने के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने एक पब्लिसिटी बिल्स लॉन्च किया तालिबानीज ने, और बोला है कि हम लोग चेंज हो चुके हैं, हम पहले के जैसे आपको परेशान नहीं करेंगे, विच डजेंट सीम टू बी ट्रू, ये हम आराम से बोल सकते हैं, आई मीन एवरीबडी नोज दिस, राइट। इंडिया ब्रिंग्स बैक एम्बेसी स्टाफ, हमारा 120 इंडियन एम्बेसी स्टाफ, 140 इंडियंस को लेके आए, उसमें से 120 इंडियन एम्बेसी स्टाफ को भी वापस लेके आए हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, नेक्स्ट वन बट लिखेंगे नहीं इसको। नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंटर ऑन प्लीज अलेजिंग स्नूपिंग वॉन्ट आस्क टू रिवील एनीथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। सो सुप्रीम कोर्ट ने, हम सबको पता है पीगेसस इश्यू पे बहुत सारे अलग अलग लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि हमको ये प्लीडिंग्स मिली है अलेजिंग स्नूपिंग, कि गवर्नमेंट ने स्नूपिंग किया है पीगेसस स्पाईवेयर के थ्रू, लोगों की प्राइवेसी हिंडर करने की ट्राई की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा है, उनको आके जवाब देना है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में आके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि वी वॉन्ट आस्क यू टू रिवील एनीथिंग कॉम्प्राइजिंग नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी वो स्पाईवेयर यूज़ किया भी है, तो हम वो चीज़ को रिवील करने के लिए आपसे नहीं पूछेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए. तो ये दो बड़े न्यूज़ है फ्रॉम फ्रंट पेज, दैट्स इट. ये एक अच्छा वाला पार्ट हुआ है. ये ओवर 88 लाख जैब्स इन अ डे, वैक्सीन 88 लाख लोगों ने ली है, ओवर 88 लाख जैब्स इन अ डे. इंडिया को एक अलग हाइट्स पे लेके जा रहा है. तो ये हुआ है, बट ठीक है, लिखना वगैरह नहीं है, तो इसमें से एक भी न्यूज़ अभी तक लिखने वाली नहीं है. ठीक है, ये पीजीसी इश्यू भी आपके एग्ज़ाम के पहले जब भी ख़त्म होगा और उसका जो डिसीजन आएगा वो लिखेंगे, ऑन गोइंग मैटर को अभी लिखना नहीं है हमें. ठीक है, तो ये सारी फ्रंट पेज की न्यूज़ हुई. बाय द वे आज हमने लिया है चेन्नई एडिशन. ठीक है, तो वी हैव टेकन चेन्नई एडिशन. हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा न्यूज़पेपर है आज का, आप लोग भी देखोगे पता चल जाएगा. चलो, और एडवर्टाइजमेंट भी बहुत है, देखो ना पूरा पेज भर के स्कॉड आके एडवर्टाइजमेंट है. फिर चीफ मिनिस्टर का फोटो वगैरह ऐसे सब बहुत दिया हुआ है टाइम पास, इसलिए बहुत बड़ा ज़्यादा न्यूज़पेपर है. ठीक है, कूल रजवी सिंह मैम, आपका वॉइस परफेक्ट है. हैव यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन. सिर्फ मेरा गले में खराश आ गई है, पता नहीं, मैं कर रही हूँ ट्राई, दवाई वगैरह भी ले रही हूँ, बट जाएगी धीरे धीरे. आयुष, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. मूवीज सिंह, परहैप्स आई गॉट लेट. नहीं बेटा, इतना ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम. तालिबानी इज आर लाइक टेररिस्ट ग्रुप, आवाज़. तालिबानी इज आर अ टेररिस्ट ग्रुप, जिसको लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, IS, ये सबके साथ भी वो लोग मिले हुए कहीं ना कहीं. आज हम आज के ही न्यूज़पेपर में मैं दिखाऊंगी कि काबुल में कुछ दिन पहले ही लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद एंड IS, ये तीनों टेररिस्ट ग्रुप के लोग घुसे हुए हैं, और काबुल में तालिबानीज के साथ मिलकर उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है. तो उनको पता ही था कि तालिबानीज का प्लान है ये डे पे काबुल में एंटर होने का, और वो लोग भी एंटर हो गए. तो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप, ऑफिशियल टेररिस्ट ग्रुप से ये लोग, तो वो लोग के साथ मिले हुए तालिबानीज. हर्ष इज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पास्ट मंथ्स कैंड आई स्टार्टेड नाउ. सो हर्ष, व्हाट यू कैन डू इज, आप ये चैनल पे अगर वीडियो सेक्शन में जाओगे ना, नहीं सॉरी, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तो हर महीने के आपको प्लेलिस्ट बने हुए मिलेंगे. लाइक आपको 2022 एस्पिरेंट हो तो मई महीने से स्टार्ट करना है, मई टू मई करना है 12 मंथ्स. तो मई 2021 का आप स्टार्ट कीजिए, मई मंथ के 26-27 वीडियोज़ मिलेंगे. सिर्फ संडे को मैं सेशन नहीं करती, बाकी मंडे टू सैटरडे के रोज़ के मिलेंगे. फिर आपको मिलेंगे जून के, जुलाई के, वो सारे धीरे 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 देख लीजिए. और आज से फिर रेगुलर ये वाली लाइव अटेंड कर लीजिए, या रिकॉर्डेड, पर रोज़ अटेंड कीजिए, करंट अफेयर्स अपडेट करिए ये सेशन से. और पहले की दो तीन वीडियोस दिन की देखते जाइए, तो ऐसे करते आपका पहले का भी हो जाएगा. नंदिनी इज सेइंग, मैम थैंक यू न्यूज़पेपर एनालिसिस करने के लिए, ये बहुत हेल्पफुल है. थैंक यू सो मच नंदिनी. नंदिनी, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग. प्लीज़ आप क्या मुझे पर्सनल चैट पर, टेलीग्राम पर मैसेज करोगे आज? अर्पिता सिंह, मैम ये न्यूज़पेपर के न्यूज़ लिखना मीन्स करंट अफेयर्स पढ़ाना, CR तैयार हो जाएगी ना ये पढ़कर? यस, करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक 60% आपका ऑलमोस्ट कवर होगा, आई कैन से दैट. ठीक है, सो अर्पिता, मैं जितने भी न्यूज़ को स्टार मार्क करूँगी ना बेटा, वो आप उसकी नोट्स बनाना. ठीक है, नो नो, मूवीज नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट, तालिबान वॉज ऑर्गेनाइज बाय अमेरिका. नो नो नो, कुल रजवी सिंह, रियली वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम हर्ष, यू कैन वॉच रिकॉर्डेड ऑल्सो, बट डेली का रोज रोज का ही खत्म करो, एक साथ जमा करके मत पढ़ो. बट पास्ट मंथ्स का जो मिस हुआ है ना, वो प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मई जून के सबके रिकॉर्डेड वीडियोज मिल ही जाएंगे. हर्ष इज ऑल्सो सेइंग दिस इज ट्रूली अमेजिंग एंड हेल्पफुल, थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम एवरी वन, मीन्स अलॉट, आप सबके कमेंट्स बहुत मीन करती है, थैंक यू सो मच. सो ये जो न्यूज़ है, PM, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. PM इंटरैक्ट्स विद फैमिली ऑफ पैरालंपियन. तो पैरालंपियन आपको पता होगा कौन जीते हैं, उनके साथ मोदी जी ने खुद ने उनकी फैमिली के साथ और वो पैरालंपियन के साथ बात की है. मोदी इंक्वायरीज अबाउट मरी
अपन्स जर्नी एंड प्रिपरेशन। मरी अपन जो पैरालंपिक में जीते हैं, मेडलिस्ट है, उनकी फैमिली के साथ बात की, उनके साथ बात की और उनकी हिस्ट्री वगैरह और उनकी प्रिपरेशन के बारे में जानने की ट्राई की। ठीक है, सो पैरालंपिक मेडलिस्ट मरी अपन थंगवेलु इन सालेम, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। थंगवेलु को गोल्ड मेडल मिला था इन मेन्स हाई जंप इन 2016 पैरालंपिक्स कंडक्टेड एट रियो डी जेनेरियो। ओके, ये ध्यान में रखना। सो मोदी जी इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हमारे पीएम हमारे स्पोर्ट्समैन के साथ भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। देखिए फुल ऑफ लाइक एड्स है, बहुत ज्यादा एड्स है चेन्नई एडिशन में। नेक्स्ट वन, ये अगेन चेन्नई की बात है। तो ई बजट कट द नीड फॉर प्रिंटेड मटेरियल मिनिस्टर। तो ये साल कोविड के टाइम पे सिंस ज़्यादा तो पहले तो वर्चुअली हो रही थी लास्ट टाइम, अभी मिल रहे हैं वो लोग हाउसेज में लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट फिर भी ये अभी बजट ई बजट कर दिया है। कैसे पेपर्स को बचाना सब समझ गया है। तो ई बजट कट द नीड फॉर प्रिंटेड मटीरियल इन पास 1600 कॉपीज ऑफ 70 बुक्स वुड बी प्रिंटेड। इतना प्रिंट होता था जिसे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा, आपका पेपर वेस्ट होगा, तो यही बजट से इतना अच्छा हो गया। सिर्फ ये समझाने के लिए लेके आई हूँ, बाकी कुछ काम का नहीं है। 5% ऑफ गवर्नमेंट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, लेजिस्लेशन टू बी इनेक्टेड टू कैंसिल फेक रजिस्ट्रेशन। तो चेन्नई में ये हुआ है कि गवर्नमेंट लैंड में से इलीगल ऑक्यूपेशन 5% लैंड पे चल रहा है, इसके लिए एक लेजिस्लेशन वो लोग जल्दी ही लेके आने वाले हैं। बस इतना बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लिखना भी नहीं है। हाँ, ये वाली न्यूज़ ज़रा लिखना सभी लोग, स्टार मार्क कर यू। सीबीआई बिगिंस प्रोब अगेंस्ट कांग्रेस लीडर्स। तो सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट। किस चीज के लिए समझाती हूँ, तो इंक्वायरी अगेंस्ट चंदी अदर्स टाइड टू स्टेटमेंट बाय सोलार स्कैम केस अक्यूज्ड। ठीक है, तो सोलार स्कैम जो हुआ ना, उसमें जो नाम बाहर आया उसमें 5 कांग्रेस लीडर्स के नाम बाहर आए और उनके अगेंस्ट अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। तो मैंने जितना हाईलाइट किया हुआ है ना, सब कुछ लिखना गाइस, ये वाली न्यूज़ ध्यान में रखनी है। तो सीबीआई ने रिपोर्टली ओपन किया है इंक्वायरी इनटू एलिगेशन दैट एटलीस्ट 5 कांग्रेस लीडर्स हैड सॉट एंड रिसीव्ड सेक्शुअल फेवर्स फ्रॉम अ बिजनेस वुमन। तो इस सोलार प्लांट के रिगार्डिंग जो बिजनेस वेंचर एक नया लेके आ रही थी बिजनेस वुमन, उसके पास से 5 मिनिस्टर्स ने सेक्शुअल फेवर्स लिए एंड फिर बोला कि, और फिर उनको गो अहेड दिया और उसमें पूरा स्कैम किया था इस तरीके से। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमेन चंदी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल केसी वेणुगोपाल, फॉर्मर मिनिस्टर अदूर प्रकाश एंड आंध्र प्रदेश अनिल कुमार, एपी अनिल कुमार सॉरी, हिबी अदन एमपी एंड एपी अब्दुल्ला कुटी, करंटली टॉप 5 बीजेपी फंक्शनरी आर द रिस्पॉन्डेंट्स इन द केस। मतलब इनके खिलाफ केस चालू है। सीबीआई हैज कैप्ट द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन द केस अ सीक्रेट टू प्रोटेक्ट द विक्टिम्स आइडेंटिटी। तो जो वुमेन बिजनेस वुमेन के पास से सेक्शुअल फेवर्स लिए गए थे और जो स्कैम किया था, उस विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं रिवील किया, वरना वी ऑल नो इंडिया में पॉलिटिशियंस फिर क्या कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। तो रिपोर्ट इट सबमिटेड द रिपोर्ट एट सीबीआई स्पेशल कोर्ट इन तिरुवनंतपुरम लास्ट वीक। कंप्लेनेंट जो है उन्होंने अक्यूज किया इन द सेंसेशनल सोलार इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस दैट हैड बीडिविल्ड द 2011 उमेन चंदी गवर्नमेंट, जिससे 2011 में उमेन चंदी गवर्नमेंट गिर गई थी ओके तमिलनाडु में, तो तभी सॉरी केरला में। तो यही बोला गया है के कंप्लेनर ने जब ये बोला था सोलार फ्रॉड के केस में और उनका नाम लिया था और दूसरे 4 मिनिस्टर्स का, शी हैड अलेज्ड दैट द पॉलिटिशियन हैड सॉट एंड रिसीव सेक्शुअल फेवर्स फ्रॉम हर प्रॉमिसिंग स्टेट सपोर्ट फॉर हर बिजनेस वेंचर। इस तरीके से स्कैम में ये लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना सभी लोग। तो सीबीआई ने भी 2011 से ये केस चालू हुआ है, अभी जाके सीबीआई 10 साल के बाद तो इंक्वायरी चालू कर रही है। 10 साल से तो मजे कर रहे हैं ये लोग। ओके, देन ये वाली न्यूज़ लिखनी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखनी है। आपको ये बताना चाहूँगी कि अफगानिस्तान एक साइड टेररिस्ट ग्रुप ने कैप्चर कर लिया है, अक्वायर कर लिया है
एंड केरला हमारा जो है इंडिया का एक बहुत गॉड जोन कंट्री हम बोल सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल, इतना एडुकेटेड, सब कुछ है, बट आजकल केरला में ठीक चीज़ नहीं चल रही है। तो जेपी नड्डा जो है ना, बीजेपी प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है केरला रिक्रूटमेंट हब फॉर आईएएस, जो भी आईएएस मतलब इस्लामिक स्टेट जो है एक करके मिले एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो केरला से लोगों को बहुत उसमें लिया जा रहा है ये टेररिस्ट ग्रुप में, एंड दैट्स क्वाइट स्कैरी। स्टेट्स राइजिंग कोविड-19 केसेस हैव बिकम अ बर्डन फॉर द कंट्री, ये भी बोला है नड्डा ने। तो बोल रहा है कि केरला में आजकल क्या जो हो रहा है, आईएस मिलिटेंट्स को ज़्यादा करके केरला से ही ले ले रहे लोगों को, एंड गोल्ड स्मगलिंग केस हुआ, खुद सीएम ने किया, तो रादर देन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यही सारी बात आ रही है केरला में, तो दैट इज़ नॉट समथिंग गुड फॉर केरला। तो ये चीज़ मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि केरला में क्या हो रहा है आजकल, हमें डिटेल में नहीं देखना है। अब आ चुके हैं हम लोग हमारे सुपर इम्पॉर्टेंट पेज, एडिटोरियल पेज पे, ठीक है। एडिटोरियल हम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे अभी, तो ये वाला एडिटोरियल हमें पढ़ना है जिसमें हमें तमिलनाडु की एक अच्छी हेल्थ स्कीम के बारे में पता चलेगा, ठीक है। और ये स्टेट्स की स्कीम्स भी काम लगती है आपको एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी स्कीम साबित हो रही है, इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं जितना आपको हाईलाइट किया हुआ ना लिखना ज़रूर, ये लिखना है गाइस, ठीक है। तो ये क्या एडिटोरियल में क्या बताया गया, लेट मी गिव यू फर्स्ट एन ओवरव्यू। डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्शन कॉज बाय पैंडेमिक। तो पैंडेमिक आज कोविड का हुआ है, इसके पहले भी प्लेग वगैरह बहुत सारे पैंडेमिक्स हो चुके हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं और भी, तो हमें क्या होना है, हमें रेडी रहना है। पहले तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रख के हमें रेडी रहना है, दूसरे लेवल पे गवर्नमेंट को रेडी रहना है कि हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा रखे जिससे पैंडेमिक से हम जल्दी से बाहर आ जाए। पैंडेमिक तो हो सकते हैं, आए दिन आ सकते हैं। तो डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, इससे जो पैंडेमिक से डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं उस डिस्ट्रप्शन से हम बच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से सोचा समझा स्कीम है, देखते हैं क्या है स्कीम। तो ये जहाँ से मैंने हाईलाइट किया आप साथ साथ में पढ़िए, तो ये क्या स्कीम है समझिएगा। फॉर तमिलनाडु दिस इंट्रोस्पेक्शन रिजल्टेड इन इट्स मक्कलई थेडू मरुथवम स्कीम, ये स्कीम का नाम है, अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन स्कीम टू टेकल एंड ट्रीट एनसीडीज, एनसीडीज मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड टू एड्रेस द क्रूशियल इश्यूज ऑफ प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। तो उसको कैसे पहले अर्ली डिटेक्शन करें, प्रिवेंशन करें, एंड एनसीडी हो बाद में भी क्या करें, इस चीज़ के लिए एक पूरा एक स्कीम बनाया है उसको टैकल करने के लिए। इट्स इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन अर्लियर दिस मंथ, ये मंथ की स्टार्टिंग में इसका किया है इनॉग्रेट। इट इन्वॉल्व्स अ टेंटेटिव बजट ऑफ ऑलमोस्ट इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, मोर देन 250 करोड़। इट इंक्लूड्स पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर 18+ पॉपुलेशन फॉर 10 कॉमन कंडीशंस। तो पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग किया जाएगा 18 साल के ऊपर क्योंकि वाले सभी के लिए, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, ओरल, सर्विकल, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, लेप्रोसी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड मेंटल हेल्थ, ये सभी चीज़ का पहले से ही स्क्रीनिंग किया जाएगा, देखा जाएगा, सो दैट अर्ली डिटेक्शन भी हो जाए या होने से पहले भी के हो सकते हैं तो उसके प्रिवेंटिव स्टेप्स भी बताए, या पता अगर हो चुका है तो अर्ली डिटेक्शन होने से हेल्प करे और उनको ट्रीट करे। तो ये सारे डिजीज़ेस काफ़ी जानलेवा और काफ़ी ख़राब साबित होते हैं, जिसमें से मैं बोल सकती हूँ आप लोग से, मैंने बताया था कि मेरे घर पे भी अभी ऐसा कंडीशन है, लाइक माई हार मदर इन लॉ इज़ लाइक राइट नाउ, उनको ऑलरेडी लंग डिजीज़ था और ये पल्मोनरी डिजीज़ ही था है उनको, और फिर उनको कोविड हुआ तो लंग्स में और प्रॉब्लम हो गया एंड शी इज़ कम्प्लीटली ऑन ऑक्सीजन एंड ऑल। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये सारी बहुत ख़राब बीमारियाँ हैं, पल्मोनरी डिजीज़ एंड और मेंटल हेल्थ वाली, किडनी डिजीज़, ये सब के रिगार्डिंग पहले से स्क्रीनिंग होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन ये सब कुछ होना चाहिए। कैंसर्स आपको बताइए कितने डेंजरस है, एंड द डिलीवरी ऑफ हाइपर टेंशन डायबिटिक्स ड्रग्स टू पेशेंट्स एज 45+ बिसाइड टू दोज विद रिस्ट्रिक्टेड और पुअर मोबिलिटी। तो उनको डायबिटीज़ ड्रग्स और हाइपरटेंशन के ड्रग्स भी लोगों को दे गवर्नमेंट ही 45+ वालों को,
और जो पुअर मोबिलिटी वाले हैं उनको तो 45 के नीचे है तो भी देना है. द स्टेट विच हैज़ अ हाई बर्डन ऑफ एनसीडी ऑल्सो एक्टेड ऑन डेटा दैट इंडिकेटेड वेरी लो कम्युनिटी कंट्रोल रेट्स फॉर हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज अमॉन्ग पेशेंट्स. तो ये स्टेट तमिलनाडु वैसे भी रहा है एनसीडी का लाइक हाई बर्डन ऑफ एनसीडी, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज है वहाँ पे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आई एम सो सॉरी. ऑल्सो एक्टेड ऑन डेटा दैट इंडिकेटेड वेरी लो कम्युनिटी कंट्रोल रेट्स, और कंट्रोल भी इसको बहुत अच्छे से नहीं किया जा सकता है हाइपर टेंशन डायबिटीज़ वगैरह को, इतने परसेंटेज लोगों को पॉपुलेशन में डायबिटीज़ और हाइपर टेंशन है. तो इसके लिए ये स्कीम लेके आए हैं. अकॉर्डिंग टू इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट रिपोर्ट इन 2016, 55% ऑफ टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया वॉज कॉज्ड बाई एनसीडी. टोटल 100% डिजीज में से 55% तो एनसीडीज ही है लोगों को. विद द बर्डन ऑफ एनसीडीज इंक्रीजिंग अक्रॉस ऑल स्टेट्स फ्रॉम 1990 टू 2016, ठीक है. डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यूरिंग द पैंडेमिक डिड अफेक्ट कंप्लायंस टू ड्रग रेजिमेंट्स. तो जिस तरीके से हमें दवाई की कमी पड़ी, ऑक्सीजन की कमी पड़ी कोविड के टाइम पे, तो ये दिखा रहा है कि हमें हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है. पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को भी करने की ज़रूरत है. तो एंड अनकंट्रोल्ड डिजीज़ को वरना हो जाता है विद एम्प्लीकेशन फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू, और फिर ऑफकोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों की खराब होती है. इट्स आइडियल दैट नेशन प्रिपेयर देमसेल टू फेस फर्दर एपिडेमिक्स दैट माइट अकर एंड कॉज सिमिलर डिस्ट्रप्शन इन द सोसाइटी बाय अलाउिंग देमसेल टू ओवरकम सच ड्रॉबैक्स. तो इट्स नेसेसरी कि हम पूरी सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, सभी वे में प्रिपेयर हो जाए कि फ्यूचर में कोई एपिडेमिक्स आए, पेंडेमिक्स आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो. द तमिलनाडु इनिशिएटिव इज अ वेल मीनिंग नॉच इन ट्राइंग टू एड्रेस दिस. द एफिकेसी ऑफ इट्स चोजन मेथड ऑफ डोर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स हैज बीन प्रूवन अर्लियर विद अ सुपरवाइज्ड ड्रग रेजिम. तो घर पे आके आपको दवाई मिलेगी, आपकी स्क्रीनिंग होगी. ये जो स्कीम लाई है बहुत बढ़िया रेजिम है, और DOTS थेरेपी यूज इन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल. तो ये अलग थेरेपी से भी TB कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे. अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ अ वेल कंसीव प्रोग्राम रेस्ट इन द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ये बहुत ज़रूरी है कि फिर स्कीम लेके आए बट उसको इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है अच्छे से. तो ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए तो एक पूरे कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है तमिलनाडु. एंड अगर ये सक्सेसफुल रहा तो पूरी दूसरे स्टेट्स भी उनको कॉपी करके ऐसी स्कीम्स अच्छी ला सकते हैं. अच्छा, बाय द वे मैंने स्टार मार्क किया ना, तो ये पार्ट में ना पूरा मत लिखिएगा, ये पार्ट में सिर्फ इतना ही लिखिएगा और बाकी ये हाइलाइटेड पार्ट पूरा लिखना है, ठीक है. तो मैंने कितना बताया लिखना है वो ही आपको लिखना है, ठीक है. सो ये एक ही पेज आज आर्टिकल करना था हमें एडिटोरियल पेज से, ठीक है. उप्स, ऊपर हो गया. अभी आप लोग की मैंने ये एडिटोरियल बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया. दिस स्कीम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्कीम, तो ये ध्यान में रखिएगा एवरीबडी. एंड अगर सबको एडिटोरियल समझ में आया, अच्छा लगा है, तो बोलो यस मैम, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एंड समझ में आ गया. एंड लाइक बटन भी ज़रूर हिट कर लो सब लोग, जिसको भी समझ में आ गया और मज़ा आ गया, तो ठीक है, लाइक बटन भी ज़रूर हिट करना गाइस. तब तक आपकी कमेंट्स देख के सबको रिप्लाई कर देती हूँ. अंजलि सिंह, मैम अगस्त से करंट अफेयर्स के न्यूज़ बना रही हूँ, क्या ये सही रहेगा? मई से ही बनाओ बेटा, मई 2021 से मई 2022. कुल रजवी सिंह, तालिबान को तो USA ने ही क्रिएट किया था ना. नहीं कुल रजवी, ऐसा नहीं था. मूवीज इज सेइंग मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन तालिबान एंड इट्स इमर्जेंस. मूवीज आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर सजेशन एंड फीडबैक. इसके लिए मैं यूट्यूब पर नहीं बना पाऊँगी बिकॉज हम हर एडुकेटर के एक अलग टॉपिक से जिसपे हम लोग लेते हैं, राइट. तो ये टॉपिक पे ऑलरेडी केशव सर ले रहे हैं, ठीक है. बट आपको चाहिए तो मैं इसकी एक स्पेशल क्लास कर लूँगी. स्पेशल क्लास जो फ्री वाली क्लास होती है अनएकेडमी पे, बिल्कुल फ्री वाली क्लास जिसपे पोल ऑप्शन होते हैं, जिसमें क्विज ABCD ऑप्शन से आप क्विज कर सकते हो. अनएकेडमी पे फ्री क्लास, स्पेशल क्लास करूँगी जैसे यूट्यूब पे होती है. फिर रेज योर हैंड ऑप्शन होता है बिल्कुल फ्री में, जिसमें आप
जैसे आप क्लासरूम में रेज योर हैंड करते थे और आप टीचर से बातचीत कर सकते थे, वैसे ही रेज योर हैंड करना है एंड मैं अप्रूव करूँगी, फिर आप मेरे से ऑडियो के थ्रू बात कर सकते हो और मैं आपको जवाब दूंगी। तो ये सारे फीचर्स है वहाँ पे, तो स्पेशल क्लासेस में भी ज़रूर आइए, मैं इसकी स्पेशल क्लास ले लूँगी आपकी सजेशन जो है उसकी। ठीक है, हर्ष इज सेइंग ये पेपर ई पेपर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। हाँ ले सकते हो, बट मैं भेज देती हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे रोज़। मूवीज वॉन्टेड मी टू एक्सप्लेन सोलार स्कैम इन ब्रीफ। ओके ओके मूवीज करते हैं हम लोग। सो मूवीज इसके भी और भी आपको चाहिए तो सोलार स्कैम पे भी मैं एक स्पेशल क्लास करती हूँ, डिटेल में काफ़ी बड़ा है वो। पूर्णिमा इज सेइंग 25 वॉचिंग एंड 10 लाइक्स ओनली, नॉट फेयर यार। एग्जैक्टली, उसमें दो तो डिसलाइक कर दिए किसी ने, कौन है जिसको मेरी क्लास नहीं पसंद आ रही है, मत आओ क्लास में ऐसा है तो, बट डिसलाइक मत करो, एटलीस्ट रिस्पेक्ट सम सेशन विच यू आर गेटिंग फॉर फ्री कंप्लीटली। हाँ हाँ अर्पिता, मैं जो हाईलाइट करती हूँ वो लिखना है, अंडरलाइन करती हूँ वो लिखना है, पर मैंने इसमें बताया ना आपको कितना मैंने ब्रैकेट किया उतना ही लिखना है एडिटोरियल में। यस अर्पिता, क्योंकि अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है ना, मैं है किसके ऊपर। कूल कूल ठीक है। एडवर्टाइजिंग मैम स्पेशल क्लास में वी रेज हैंड ऑप्शन है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स देयर, सम मोर पीपल आर डिसलाइकिंग द सेशन। आई डोंट नो किसी को ग्रेटफुल होना क्यों नहीं सिखाया लोगों ने, पेरेंट्स ने आप लोग को ग्रेटफुल होना नहीं सिखाया लगता है, कि कुछ आपको मिल रहा है ऊपर से फ्री में मिल रहा है, नॉट इवन यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, तो भी आप डिसलाइक करते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी सीख है आपको। चलो नेक्स्ट वन, स्टेट्स डिफर विद सेंटर ऑन फ्यूल। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बोला है क्लियरली कि हम फ्यूल के ऊपर जो भी टैक्सेस है हम कुछ नहीं कम करने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए अपने सेंट्रल, उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो कम करके आप फ्यूल के जो आप प्राइजेस कम करो, बट हम नहीं करेंगे। तो सारे स्टेट भड़क चुके हैं, लाइक नॉट सारे बट कुछ कुछ स्टेट्स भड़क चुके हैं कि ऑलरेडी हम पैंडेमिक में इतनी खराब हालत में है, हमारे फॉलिंग रेवेन्यूज़ है, पैंडेमिक कॉस्ट इतना बड़ा है, और ऊपर से आप हमें ही बोल रहे हो कि आप कम करो, हम नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है हम नहीं करेंगे। तो ऐसी सब मगजमारी चलती रहती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दिस न्यूज़ यू हैव टू राइट डाउन, स्टार मार्क कर रही हूँ गाइस। बीजेपी लीडर शॉट डेड इन साउथ कश्मीर। तो साउथ कश्मीर में एक बीजेपी लीडर को मार दिया गया है। सो बीजेपी लीडर वॉज शॉट डेड बाई सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स इन साउथ कश्मीर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूजडे इन द सेकेंड सच इंसिडेंट इन द पास्ट 8 डेज। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड एज जावेद अहमद दार फ्रॉम रजुलू जागीर कुलगाम। इनको मार दिया गया है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। सो खुलेआम बीजेपी लीडर्स को मारा जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। तो हमने देखा है धनबाद के एडिशनल जज जो है उनका, उत्तम आनंद जी, उनका जो डेथ हुआ, और उसके बाद सेंट्रल खुद सुप्रीम कोर्ट सीजेआई खुद चाहती है कि इंक्वायरी हो। जजेस को थ्रेटन किया जाता है, उनको धमकी मिलती है, उनको मार दिया जाता है, उनको इंजर भी किया जाता है। तो ये सब क्या चल रहा है? तो इसके लिए जजेस को सिक्योरिटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वी आर नॉट फॉर फॉर्मिंग सिक्योरिटी फोर्स टू प्रोटेक्ट जुडिशियरी और कोर्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं होता है कि जुडिशियरी या कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी फोर्स दें, ऐसा क्लियरली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बता दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो, मतलब खुद से ही, किसी के पिटिशन फाइल किए बिना खुद से ही ये केस लिया था, कॉग्निजेंस ऑफ अटैक ऑन चार्जेस अलॉन्ग विथ पेंडिंग प्लीज, दूसरी जो पेंडिंग प्लीज थी वो, और खुद से सुओ मोटो केस स्टार्ट करके कैसे जजेस का ये जो थ्रेटन किया जाता है उनकी सिक्योरिटी को कैसे किया जाए, बढ़ाया जाए, वो बात की सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला। तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने बता दिया कि सेंट्रल इज नॉट फॉर फॉर्मिंग सिक्योरिटी फोर्स टू प्रोटेक्ट जुडिशियरी और कोर्ट्स एंड दैट्स सो हार्श। सो लेट्स सी क्या होता है फिर। ठीक है, ये सिर्फ हेडलाइन ध्यान में रखनी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने कल भी करवाया था इसके बारे में। गुरखा इज नॉट टू बी टैग्ड एज फॉरेनर्स।
सो इंडियन जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है ना, तो उसमें आसाम मिनिस्टर ने ये बताया कि उसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स में गुरखास को भी इंक्लूड किया जाता था, अभी उनको फॉरेनर्स नहीं माना, उनको इंडियंस ही माना है, तो उनको उस तरीके से सिटीजनशिप में वो क्राइटेरिया भी इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं मानना है. सो गुरखास नॉट टू बी टैग्ड एज फॉरेनर, आसाम गवर्नमेंट टेल्स पुलिस इज बॉर्डर विंग. ठीक है, सो बॉर्डर पुलिस है, उनको बता दिया है कि गुरखास को फॉरेनर्स इमिग्रेंट्स नहीं मानना है, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं मानना है. वो वाली न्यूज़ लिखना ज़रूर. हाँ, वी वर्ल्ड न्यूज़ में देखिए, आप देख सकते हो ये जो एक एयरक्राफ्ट है जिसमें इतने सारे लोग, ऑलमोस्ट 600-700 लोगों को एक साथ भर के अफगानिस्तान से लेके जा रहा है यूएस. तो ये आप देख सकते हो कितने लोगों के फेस देखो डरे हुए, और विमेन भी नहीं ज़्यादा करके, इसमें से 1/3, ये पिक्चर मेरे भी व्हाट्सएप पे कल आया था, 1/3 ऑफ इट मैन है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैन ही है अफगानिस्तान में इस तरीके के. देन चाइना भी ब्लेम कर रहा है कि हेस्टी यूएस का पुल आउट से ये सीवियरली एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है. देन तालिबान में दूसरा एक चीज़ ये है, साले अमरुल्ला साले जो है वो बोल रहे हैं कि ही इज नाउ लेजिटिमेट केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज अशरफ गानी प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान भाग चुके हैं कंट्री छोड़ के. तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, अभी कोई प्रेजेंट तो वाइस प्रेसिडेंट था भी नहीं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले जो अलग से तालिबान के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, उन्होंने बोला नाउ ही इज लेजिटिमेट केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, आई विल नेवर बी अंडर वन सीलिंग विद तालिबान, ऐसा उन्होंने भी बोला है. वो पंजशीर वैली से फाइट कर रहे थे तालिबानीज के अगेंस्ट, वो ऐसा बोल रहे कि मैं तालिबानीज के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहूँगा, मतलब उनके साथ टाई अप कभी नहीं करूँगा, उनके साथ गवर्नमेंट भी कभी नहीं बनाऊँगा, अभी मैं लेजिटिमेट केयर टेकर होना चाहिए, ये हिम्मत है, ये गट्स है उनका ये बोलने का, सॉलिड है, तो ये ध्यान में रखना है, चाहिए तो ये लिख लेना. देन ये वाला देखिए न्यूज़, आईएस जैश ए मोहम्मद JAM LET लश्कर ए तैयबा, ये मिलिटेंट्स सभी काबुल एंटर हुए हैं, मतलब सब तालिबानी से मिले हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया. तालिबान लीडर्स ट्राइंग टू मोबिलाइज देमसेल्स टू स्टॉप फॉरेन फाइटर्स. सो तालिबान लीडर्स दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज देमसेल्फ टू स्टॉप फॉरेन फाइटर्स. सो वो लोग, मतलब जो भी तालिबान लीडर्स है सारे IAS JAM LET वाले, वो लोग एक साथ आ रहे हैं, सो दैट फॉरेन से उनको पता ही अटैक होने वाले हैं उनको शॉर्ट टाइम में, दूसरी कंट्री सब चुप बैठ के नहीं देखेगी, तो वो लोग साथ में आ रहे हैं सो दैट वो लोग उनको फाइट दे पाए. अच्छा, माकी काजी गॉड फादर ऑफ सुडोकू डाइज इन जापान, इंपॉर्टेंट ऑबिटरी याद रखना, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, सिर्फ हेडिंग लिखना. तो सुडोकू के गॉड फादर थे ये माकी काजी, ही डाइड यस्टरडे. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. एक लास्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ करनी है हमें, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. ओके, एक लास्ट फॉरेन न्यूज, सॉरी स्पोर्ट्स न्यूज़ करनी थी ये वाली, ऊपर हो गया एक्समेंट स्क्रॉल. हाँ, ये भी लिखिएगा, प्रगनंदा टेक्स ब्लिट्स टाइटल. ठीक है, तो चेस में ब्लिट्स टाइटल उन्होंने जीता है, सिर्फ हेडिंग लिखे, हेडलाइन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आज गाइज मेरी एक भी स्पेशल क्लास नहीं है, शाम को 8:30 से 10 बजे मेरी प्लस क्लास है लीगल रीजनिंग की, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लास, सभी लोग आ जाइएगा जो भी सब्सक्राइब स्टूडेंट्स है ज़रूर. ठीक है, इसके अलावा मैं लाइव क्विज अभी लॉन्च करने जा रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको कोड दे देती हूँ और हम लाइव क्विज करेंगे. ठीक है, एंड अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो अभी तक का तो ज़रूर लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, एंड 2 मिनट रुकिए, रुक जाइए, मैं अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए एक लाइव क्विज लॉन्च कर रही हूँ, तो ये आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए. और अभी 11 होने जा रहे हैं, मैं 11:30 को एग्जैक्टली लाइव कर लूँ या 11:15 को, आप कमेंट करके बताइए, तब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्विज, आई मीन लाइव मतलब लॉन्च कर रही हूँ GK क्विज, साइंस एंड स्पोर्ट्स पे कर रही हूँ. चलो सिर्फ GK हेडिंग दे रही हूँ गाइस, देखो ये कोड है आपका, लिख लेती हूँ इधर,
सबको आता है लाइव क्विज कैसे ज्वाइन करना। दिस इज योर कोड, बाय एंटरिंग दिस कोड यू कैन एंटर। गो टू अनएकेडमी लर्निंग ऐप, आपको नीचे तीन आइकन दिखेंगे, उसमें सेल्फ स्टडी वाला आइकन क्लिक कीजिए। सेल्फ स्टडी वाला आइकन क्लिक करने के बाद आपको जो पेज खुलेगा उसमें टेस्ट टैब पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें लाइव क्विज पे जाइए, उसमें जीके सेक्शन जो का दिखेगा वो एंटर मतलब क्लिक कीजिए। फिर आपको ये वाला कोड एंटर करना है 216373 एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन द लाइव क्विज। ज्वाइन कर लीजिए और मैं एग्जैक्टली 11:30 को आधे घंटे के बाद जब तक सब लोग और भी ज्वाइन कर लें मैं क्विज को लाइव कर लूँगी। ठीक है, जीके का क्विज है साइंस एंड स्पोर्ट्स टॉपिक। मैं टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ इसके बारे में। टेलीग्राम पे भी लिंक डाल रही हूँ, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो ज्वाइन एवरीबडी, द क्विज विल स्टार्ट शार्प एट 11:30। ठीक है, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरी वन। एक मिनट आपकी कमेंट्स देख लेती हूँ, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो मैं पूछ बता दूँ। मोस्ट वेलकम एवरीबडी। मोस्ट वेलकम, बाय। ऑलराइट, चलो किसी को डाउट नहीं है लाइव क्विज कैसे है। 216373 कोड है अर्पित फॉर ज्वाइनिंग द लाइव क्विज। चेस में कौन जीता, ये जीता बेटा प्रगनंदा, बिल्स टाइटल। आरटी ओपन बिल्स चेस टाइटल संडे को। कूल रजवी, एग्जैक्टली 11:30 को लाइव कर दूंगी, उसके 5 मिनट पहले टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। ये 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग रेडी रहिएगा, 11:30 को रेडी रहिएगा, मैं स्टार्ट कर लूँगी फिर। ठीक है, नीतू इज सेइंग हेलो। बेटा क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, रिकॉर्डिंग देखो अभी। ठीक है, सभी किसी ने ज्वाइन, एक ही जन ने अभी तक ज्वाइन किया है। अगर ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं 11:30 को नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच अर्पिता, बाय बाय एवरीवन। कूल रजवी हैज ज्वाइंड, ओके। किसका और का बाकी है तो प्लीज़।